वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत ही अच्छी अच्छी से बातें कर रहे थे खेल कूद के हवाले से। तो मैं इश्मा आलम से पूछना चाहूंगी कि जब उन्होंने ज्वाइनिंग ली और अभी 2.5 साल के बाद उनको पहले और अब की लाइफ में क्या चेंजिंग नजर आ रही है। देन मैं जाऊंगी समद साहब की तरफ, आपने भी ज्वाइन करना है 02135890271 पे कॉल करें और इनसे पूछें कि इसके कितने फायदे हैं और ना करने के कितने नुकसान हैं। क्यों इश्मा, है ऐसा? सारे फवायद भी हैं, नुकसान तो कम ही हैं क्योंकि ना करने के तो नुकसान है ना, ना करने के नुकसान हाँ। तो बहुत हैं क्योंकि करना चाहिए हेल्दी हेल्थ के लिए, हमारे फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स एक अच्छा है और बाकी में अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा लगता है और आगे अपनी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर एटलीस्ट सबसे अलग है। हाँ जी, बाकी लड़कियां इंजीनियरिंग भी कर रही होती हैं, मेडिकल भी पढ़ रही होती है, पर साथ साथ स्टडीज के साथ स्पोर्ट्स करो तो वो एक और अच्छी चीज। अच्छा, हो जाती है। देखा जाता है ये कि स्पोर्ट्स में लड़कियां बहुत ही मतलब कम मिकदार में है, क्वांटिटी में ये कहा जा सकता है। तो फिर भी आगे अवेयरनेस हो गई है थोड़ी सी, बट कहते हैं कि लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं तो कहीं चोट ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी मतलब चोट लग गई हो आपको और फिर इंजरी वगैरह का? मुझे बहुत लगती है क्योंकि मेरी जो फाइट ज्यादातर होती है वो लड़कों से करवाते हैं, साथ से ट्रेनिंग जो प्रैक्टिस फाइट हमारी हाँ। होती है ना टूर्नामेंट वगैरह के, तो लड़कों से कराते हैं, तो एक दफा लड़कों ने मेरी बड़ी पिटाई भी की है फिर उसके बाद ठीक हो जाता है, मतलब यूज तो ज्यादा पिट पिट के भी ट्रीट हो जाता है फिर बस ये सब चलता रहता है। लड़कियों का लड़कियां ठीक है होती है नाजुक, पर हर लड़की नाजुक नहीं होती है और हर लड़की का ख्वाब एक प्रिंसेस नहीं होता, तो हर किसी को एक स्पोर्ट्स में भी आगे जाना होता है, हर किसी के अलग अलग ख्वाब होते हैं, अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, तो बस ये सब चलता रहता है। और बाकी पिटाई भी बहुत होती है, लड़कों से ज्यादा सर्द मुझे बहुत पिटती है मतलब पिटना ही पिटना है, पिटना ही पिटना है, बहुत पिटाई करवा ली। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको पिटती रहता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वो कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट्स होती है जिसमें आपकी आपकी बेहतरी हो। लाइक अगर मैंने इसको बोला कि जी आप पुशअप्स लगाओ तो इसमें इसका फायदा है, आप इसको भले पनिशमेंट लें पुशअप्स, बट पुशअप्स तो पुशअप्स है, लगानी है इस पे। सही। तो सर कितने सारे स्टूडेंट्स जो है एवरेज में बहुत ही अच्छे हैं या बहुत ही बुरे हैं? अब ये बड़ा टीचर के लिए एक अच्छा स्टूडेंट की क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट होता है। मेरे लिए अच्छा स्टूडेंट ये नहीं है कि जो मेरे लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रहा हूँ। हर स्टूडेंट गोल्ड मेडल नहीं ला पाता लेकिन वो बड़ा अच्छा स्टूडेंट होता है। स्टूडेंट होना जो टीचर्स की बातों को फॉलो करे जी, उसके सिस्टम को फॉलो करे, ये हो गया एक अच्छा स्टूडेंट। एक अच्छा प्लेयर, एक अच्छा फाइटर इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बताऊं, हमारे यहाँ वर्ड्स को बड़ा मैनिपुलेट करके एक ही बनाकर ठीक है जी अच्छा स्टूडेंट है मतलब गोल्ड मेडलिस्ट है, नहीं, अच्छा स्टूडेंट बहुत सारे मेरी बात को फॉलो करते हैं, चीजों को मानते हैं, गेम को सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, कुछ मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ काते में अच्छे होते हैं जिसको हम पुमजे कहते हैं, हमारे यहाँ ताइक्वांडो में उसको पुमजे कहलाता है, उसमें अच्छे होते हैं, कुछ कोचिंग में अच्छे होते हैं, कुछ रेफरीशिप में अच्छे होते हैं, कुछ ज्यूरी में अच्छे होते हैं, दे आर डिफरेंट फील्ड्स। सही। जिसमें इंसान को अच्छा और बुरा होना पड़ता है। आप किस चीज में अच्छी हैं? मैं वो तो आप सर से पूछूं आपको क्या लगता है? इसका माशाल्लाह इसमें इसने कातो के अंदर भी गोल्ड मेडल है ऑल कराची, और फाइट के अंदर भी ऑल कराची, और अभी गेम्स हुए थे जी सिंध उसके कराची गेम्स हुए थे उसके अंदर भी इसके माशाल्लाह गोल्ड मेडल है, तो शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट। इश्मा से ये सारी चीजें हैं आपके पास, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप? जी जी जरूर। ठीक है, और जब फर्स्ट टाइम मिला तो कैसा फील हुआ आपको? फर्स्ट टाइम मिला तो बस ये था, पहले मुझे फैमिली को दिखाना था, मैंने बस पहले मैंने फैमिली को दिखाया, बड़ी खुशी हुई, मेरे फादर, फिर मुझे मैंने अपने फादर को दिखाया, फिर उन्होंने मुझे आगे सपोर्ट किया। फिर फादर को आपने बताया कि बाबा आप मुझे मना करते स्टार्टिंग में, देखें अब आज? मैंने जरूर जुमला बोला था उनसे, तो फिर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस आगे उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट किया, मेरे फिर भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया इस तरह से, फिर उस वक्त तो बड़ी खुश होती है, फर्स्ट गोल्ड मेडल में बड़ी खुशी होती है, फिर आगे कहने से अब आगे बढ़ जाते हैं, खुशी थोड़ी कम हो जाती है, पर कोच को तो तब भी खुशी होती हाँ, है। मतलब फिर तो आधी सी हो जाते हैं ना कि हाँ बस थोड़े आधी से हो जाते हैं हाँ। पर ये तो होता है कि कोच ने इतनी मेहनत करी है, उसका आगे करना भी है, ऐसा नहीं कि बस जाके अपनी मर्जी से जब मूड हुआ हाँ। खेलकर आ गए, नहीं, कोच ने मेहनत करी है तो हमें अपना 100% देना है। हमारे बच्चे कुछ इंटरनेशनल भी खेले जी, नेपाल में हमारा एक स्टूडेंट था वो जाके माशाल्लाह गोल्ड मेडल लेकर आया, अच्छा उसकी फाइनल फाइट इंडिया से पड़ी थी, एक स्पोर्ट्स तो बड़ी खुशी हुई होगी जी, बहुत हम खुश हुए और उसका भी फिर इंटरव्यू लिया गया हाँ। था टीवी पे, तो वो भी बड़ा अच्छा हमारा प्लेयर था और है माशाल्लाह जबरदस्त खेलता है, तो अल्लाह उसको कामयाबी दे और इंटरनेशनल खेले। तो बस ये के बच्चों को चीजें समझनी चाहिए, दे शुड नॉट बी वेरी जंपी के बस जल्दी से ऊपर चले जाएं, जल्दी हर चीज टाइम लेती है ऊपर जाने में, मुझे भी टाइम लगा ऊपर आने में, और मैं तो उस फील्ड में ऊपर आया हूँ, उस लेवल पे आके बैठा हूँ जहाँ मेरे साथ सारे में से बड़ी एज के हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस के हैं, बट गेम को समझना एक अलग चीज है जी।
इश्मा, ज्यादातर खाने पीने में किस चीज का ध्यान रखती हैं आपकी, ये चीज होनी चाहिए तो मेरे अंदर वीकनेस नहीं होगी? मैं सबसे पहले तो मैं दूध का ख्याल रखती हूँ, दूध पीऊंगी तो मुझे वीकनेस नहीं होगी, हड्डियां मजबूत होंगी मेरी। हालांकि देखा ये जाता है कि लड़कियां दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहती हैं। पहले मैं भी बिल्कुल नहीं पीती थी, सर ने सिखा दिया, सर ने सिखा दिया सच्ची। फिर जब जब ऐसे सब ट्रेनिंग हुई, फिर वीकनेस शुरू हो गई, तो सब कुछ लेना पड़ा, दूध भी पीने लग गई, अंडे भी खाने लग गई। तो अब जितने आप अंडे और दूध से दूर रहा करती थी उतनी ज्यादा आप खाने लगी, खाने पीने लगी हैं। सही, तो किस किस टाइम अंडा खाती हैं, किस टाइम दूध पीती हैं, रात के टाइम या सुबह? सुबह के टाइम और रात के टाइम भी, पर रात के टाइम में ऐसे रात के टाइम रात का खाना थोड़ा कम कर दिया और फिर एक ग्लास दूध पी लिया इस तरह से, और बाकी सुबह जो डाइट होती है वो एग और एप्पल। रात का खाना कम क्यों किया? रात का खाना इसलिए कम किया क्योंकि फिर वो ओवर डाइट हो जाएगी। ऐसे अगर दो रोटी खाती थी तो एक रोटी खा लिया और एक ग्लास दूध पी लिया, हाँ, ताकि वो मैनेज हो जाए, बैलेंस में रहे ना। सही, ठीक है, ये जबरदस्त है। क्या डाइट प्लान क्या बताते हैं हर बच्चे के लिए? समझ से तो नहीं पूछूंगी, आपसे पूछूंगी कि वो आपको क्या क्या बताते हैं। हर बच्चे के लिए अलग डाइट प्लान होता है, जैसे मेरा वेट जो है, मेरी हाइट, मेरे फैट्स, उसके लिए ऐसे मेरा डाइट प्लान होगा। कोई मुझसे एज की बड़ी लड़की है, एज भी मैटर करती है, मुझसे कोई एज की बड़ी लड़की है या मुझसे कोई छोटी है, उसकी डाइट प्लान अलग होगा। बस वो सर पर डिपेंड होता है कि सर ने क्या डाइट प्लान है। इस तरह देख कर समझ साहब क्या पता चलता होगा कि इसके अंदर इस चीज की कमी है या फौरन नहीं पता चलता? टेस्ट करवाते हैं आप लोग कुछ? फौरन नहीं पता चलता, टेस्ट भी करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। आपका वो कौन सा बीएमआई हुआ इसका, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि फैट्स वगैरह चल जाते हैं, फैट्स वगैरह। बाकी मैं बच्चों को एंड ऑफ द क्लास बिठाता हूँ, बताता हूँ की बेटा दूध पियो, फ्रूट्स खाओ और सिट्रस फ्रूट्स खाओ काफी, स्किन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। आप लोगों को तो इसके बारे में ज्यादा पता होगा, मेरी तो इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि अब, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस तरीके से फॉलो कर रहा है। अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगा भाई दूध पियो और वो नहीं पी रहा, अच्छा देखिए मैं तो घर नहीं जाता, लेकिन नहीं मैं कोशिश ये करता हूँ उनके पेरेंट्स के सामने बात करूँ। पेरेंट्स मीटिंग होती है? जी, पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और हर एंड तकरीबन हर क्लास के बाद कोई ना कोई पेरेंट मुझसे मेरे पास आया हुआ होता है और उससे मैं बात कर रहा होता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये थ्रू आउट चलता रहता है। डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे, मतलब डेली बेसिस से मुराद ये कि अब कभी किसी के पेरेंट्स आ गए, कभी किसी स्टूडेंट है, लेट्स सपोज अब सारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो मैं एक दिन में नहीं कर सकता, एक दिन नहीं कर सकता। तो जिस पेरेंट्स की बारी होती है हम उस आते हैं पिक करने, आता है बच्चों को तो मैं रुक लेता हूँ 10 से 15 मिनट, हम उनसे डिस्कस करते हैं, फिर हमारे पास एक परफॉर्मा भी बना हुआ है कि हम पेरेंट्स को दे देते, उसको फिल आउट करके देते कि बच्चों में उन्होंने क्या देखा, उनकी स्टडीज इनहांस हुई, उनमें अग्रेसिवनेस कम हुई, उनमें शायनेस कम हुई, उनमें कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया। एग्रेसिव कैसे, मतलब अगर कोई बच्चा है बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, नेचर है उसकी ऐसी, किस तरह से चेंज कर देते हैं? एनर्जी है ना, हाँ, अब वो अगर उसको स्पोर्ट्स में एनर्जी नहीं यूटिलाइज कर रहा है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करेगा। वो क्या करता है, अपने घर के फ्रिज पे निकालता है, या अपनी अम्मी को मार रहा होता है, बहन भाइयों को मार रहा होता है, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो हम उसको फिर उसकी फाइट डबल करवा देते हैं, हम उसको पूरा गैजेट पहनाते हैं, हेड गियर, होगो, शिन गार्ड, एल्बो गार्ड सब पहनाकर उसको रिंग में खड़ा करते हैं। अगर उसकी एक फाइट हो रही होती है तो हम उसकी 3 फाइट्स करवाते हैं, और यकीन कि आप अपना गुस्सा यहाँ निकालो, गुस्सा नहीं एनर्जी निकाले, बिल्कुल जो एनर्जी उसके अंदर अल्लाह ताला ने दी है वो कहीं तो निकालेगा, वो निकलवाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। अब बहुत फर्क पड़ता है। और शाइनेस, कोई बहुत ज्यादा शर्मसार टाइप हो, किस तरह से उसकी शर्म खत्म करते हैं? बात ये किसी के सामने बैठ के बातें नहीं करना है, ज्यादा गपशप नहीं लगानी। कोई बच्चा अगर बातें कम कर रहा है तो वो तो फाइन है, लेकिन अगर वो चीज फॉलो नहीं कर रहा है और मैं अगर से कह रहा हूँ कि आप बेटा किक करो और वो किक नहीं कर रहा है, ये फिर एक अलार्मिंग बात होती है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। अच्छा, देखिए शायनेस, शाय होने में और रिस्पॉन्सिव होने में फर्क है, फर्क है दोनों में। सही, बहुत सारी वेडिंग्स का बड़ा खेल है। हाँ, तो वो शाय है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शाय है, ठीक है, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता, हाँ, फाइन, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, अगर उसकी रिस्पॉन्स, मैं उससे बोल रहा हूँ बेटा बात सुनो और वो 2 मिनट बाद ऐसे घूम के देख रहा है मुझको, ये इशू है। 2 मिनट बाद घूमकर ऐसे देख रहा है आपको? जी सर, आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, तो ये स्लो है, फौरी रिएक्शन नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस स्लो है। सही सही, ये एक अलग चीज है। एक्शन का रिएक्शन फौरी होना चाहिए ना, सोचेगा नहीं वो, ही हैज टू डू इट। जब उसको बोल दिया जाए बेटा जाओ रनिंग पे, और वो अभी जूते बांध रहा है, मोजे पहन रहा है या बेल्ट उसकी बार बार खुल रही है, तो ये गलत चीज है। बच्चा स्लो है, इस स्लो को तेज करने के लिए फिर उसको एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, थोड़ा उस पर कभी कभी समझे कि उसको डांटा भी जाता है, प्यार से डांटा जाता है। हाँ, प्यार से भी। तो सर ये कितने दिनों का, कितने मंथ्स या कितने साल का कोर्स होता है? एज पे डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है। लाइक इश्मा वाज अ वेरी फास्ट लर्नर, तो इसने मेरे पास ब्लैक बेल्ट ली, 1.5 साल के अंदर इसने ब्लैक बेल्ट ली, उसको
उसको ढाई साल तकरीबन होने वाले, डेढ़ साल में, डेढ़ पौने दो साल में इसने मुझसे ब्लैक बेल्ट ले ली थी। सही। और इतने फास्ट बच्चे होते नहीं, नहीं अंदाजन 4 से 5 साल लगते हैं। ओहो। मेरे पास 2-3 बच्चे और भी ऐसे हैं जिन्होंने फास्ट ब्लैक बेल्ट लिया, लेकिन 4 से 5 साल लगा देते हैं। क्यों? क्राइटेरिया ना मीट करना पड़ता है ना, अगर एक बच्चा परफेक्ट किक नहीं कर रहा है, जो उसको टारगेट दिया गया है वो नहीं कर रहा है, उस टाइमिंग में नहीं कर रहा है, उस स्पीड से नहीं कर रहा है, उस फुट वर्किंग के साथ नहीं कर रहा है, उस लेवल में परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेडल लेकर नहीं आ रहा है, तो फिर वो हर चीज काउंट होती है उसकी लॉग बुक पे, जिस तरह हर इदारे में लॉग बुक होती है कि इसने सही काम किया, तो हमारे पास भी लॉग बुक होती है, हम लिखते रहते हैं उसको। अच्छा, सही। तो फिर वो बताते हैं कि आप, बेटा आपकी ये परफॉर्मेंस थी, ये आपकी क्लास अटेंडेंस थी, तो आप इस क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरते। फिर टेस्ट होता है, कुछ बच्चे टेस्ट में फेल हो जाते हैं, कुछ टेस्ट में पास हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर टेस्टिंग के बाद होती है, इसकी भी काफी टेस्ट। कितने सारे टेस्ट में फेल और पास हुई है? मैं तकरीबन सारे टेस्ट में फेल पास हुई हूँ। सारे टेस्ट में पास नहीं कहा पहले, सारे टेस्ट में तकरीबन पास हुई हूँ, तभी मैं इतनी जल्दी ब्लैक बेल्ट हो गई। सर तो सर बहुत सारे लोगों को लटका के रखते हैं काफी। एक स्टूडेंट 7 साल से ब्लैक बेल्ट नहीं हो पाया, 7 ईयर्स हो गए। क्या कहता है वो? थोड़ा सा वो होता है टाइमिंग इश्यूज है उसके पास, थोड़े से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी करता है, बड़ा जबरदस्त, ही इज डूइंग हिज एमफिल, एमफिल कर रहा है वो। अच्छा, तो थोड़ा टाइमिंग का उसको इश्यूज है, तो वो कहता है कि सर मुझे पता है अपनी ड्रॉबैक्स में नहीं आ पाता हूँ, मैं आपसे नहीं मांग रहा, जब मैं करूंगा इंशाल्लाह तो फिर पूरा करूंगा। उसे खुद भी पता है कि वो नहीं दे पा रहा है उतना टाइम। अच्छा, ये नहीं हमारे बेल्टें बढ़ जाती है, ठीक है यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो मुझको ये लो बेल्ट, ऐसा नहीं है। नहीं, सही बात है। फिर वो हमारा फेस है, वो बच्चे हमारा फेस है, कहीं जाके लेंगे कि हमने अब्दुल समद साहब से सीखा है, सर समद से सीखा है, और वो बोलेगा अच्छा क्या आता है क्या नहीं आता है, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा कि सर समझ ने ऐसे बेल्ट दे दी। हाँ, ऐसे कुछ आता नहीं और बेल्ट दे दी है। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान अपने काम से जाना पहचाना जाता है ना, और उससे उसकी वैल्यू होती है। तो हिशमा कैसा लगा फिर आपको जब आपको ब्लैक बेल्ट का खिताब मिला? ब्लैक बेल्ट लेकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा था जैसे बस गेम खत्म हो गया, मुझे जगाया नहीं, नहीं नहीं और डबल मेहनत करनी है, ब्लैक बेल्ट मिल गई तो ब्लैक बेल्ट के बाद तो और डबल मेहनत हो जाती है, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं आपकी, आपके जो जूनियर्स होते हैं फिर वो आप रोल मॉडल बन जाते हैं उनके लिए, वो आपको देख के सब कुछ करते हैं, और फिर सर सर जितनी ट्रेनिंग कराते हैं उससे और ज्यादा करना पड़ता है कि अब तो ब्लैक बेल्ट है तो सबके सामने आपको फेस देना पड़ता है, तो फिर सब उसके लिए सब मैनेज करना पड़ता है। कितने घंटे के लिए जाती हैं, कितनी टाइमिंग है वहाँ की, क्या टाइमिंग है? मैं बहुत पंक्चुअल हूँ तो मैं शार्प 7 o'clock पहुंच जाती हूँ, और बाकी लाना वापस आना मेरे फादर पे डिपेंड है कि वो मुझे कब लेते हैं, कब पिक करते हैं। वैसे टाइमिंग हमारी 10:30 खत्म होती है तो 10:30 इस तरह से आते हैं। और डेली है, मतलब कोई ऑफ नहीं है, सैटरडे संडे फ्राइडे कुछ भी नहीं? नहीं नहीं, 3 दिन क्लासेस होती हैं, बाकी डेज है। तो बाकी डेज में क्या करती हैं आप? घर पे प्रैक्टिस करती हैं? घर में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह, थोड़ी सी ट्रेनिंग से सर कॉम्बिनेशंस वगैरह कुछ बता देते हैं कि इसको इस तरह करना है, तो घर में इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं अक्सर तो ये करती हूँ कि घर में प्रैक्टिस करके और क्लब में आके बड़ा अच्छा करती हूँ, बोलती नहीं मेरे घर में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रही, खुद ही कर रही हूँ। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स? बिल्कुल करते हैं ऐसे स्टूडेंट। पता तो लग जाता होगा कि घर पे प्रैक्टिस किया है नहीं किया है, लग जाता है अंदाजा उनको। अच्छा, जैसे रेशमा ने बताया कि मैं करती हूँ बट बताती हूँ कि नहीं किया है मैंने, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी बताया ये पता चल जाता है ये अगर कि इन्होंने किया है मतलब इसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है ना, एनहांस हो जाती है। सही समझ साहब, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते होंगे कि घर पे प्रैक्टिस नहीं करते बट आके कहते कि सर मैंने बहुत प्रैक्टिस की बट मुझे समझ नहीं आया कुछ, ऐसा होता है क्या? वो भी पता चल जाता है, वो भी अंदाजा हो जाता है, वो बच्चे की रेपुटेशन थ्रू आउट ट्रेवल करती आ रही होती है, कुछ नहीं करना पड़ता है, मुझे डायरी खोलनी पड़ती है, डायरी खोल के देखना पड़ता है कि जी फलाने बच्चे ने की परफॉर्मेंस क्या रही है। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है फ्रॉम 2003, रिकॉर्ड मौजूद है बच्चों का 2003 से लेके अब तक 2016 होने वाला है कि कब ने किस टाइम पे टेस्ट दिया, किस टाइम पे फेल हुआ, किस, तो ये बच्चा हमारी उस लेवल से निकल नहीं सकता जी, जी। जो प्रोफाइलिंग मैं करता हूँ, और ये हर एक करता नहीं है, ये मेरी आदत है हमेशा से मैं प्रोफाइलिंग करता हूँ। मेरे घर में बोलते हैं कि तुमने काफी कचरा जमा कर रखा है, हाँ। ये पेपर्स जमा कर रखे हैं, काफी ठीक ठाक हो गया तो, लेकिन वो एसेट्स हैं। एसेट्स है, सही बात है। ठीक है जेशमा साहिबा और समद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए और लोगों में इतनी अवेयरनेस दी कि सखर, फैसलाबाद और कराची में तो 4-4 जगह क्लब्स हैं माशाल्लाह, तो ज्वाइनिंग लेनी चाहिए जितने भी लड़के लड़कियां हैं। कोई एज वो नहीं है कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 5 साल का बच्चा भी आ सकता है आपके पास, बच्चा भी आ सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहिए, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, जो लड़कियां हैं स्पेशली सीखना चाहिए उन्हें? स्पेशली लड़कियों को तो मैं जरूर बोलूंगी कि उनको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है, मैनर्स भी सिखाता है, हमें सेल्फ कंट्रोल भी सिखाता है, बहुत सी चीजें होती है लड़कियों को सीखनी चाहिए, आगे उनके बहुत जरूरत पड़ती है, और लड़कियों में
इतना अवेयरनेस नहीं है, तो इससे आप बहुत ग्रूम करते हो अपने आप को, तो सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से लड़कियों को जरूर सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यशमा साहिबा। और समझ साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे मुआशरे के लोगों को? सबसे पहले तो नॉलेज बढ़ाए अपने, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है अपने बच्चों पर कंट्रोल रखना। देखें जी, क्रॉस कल्चर हो चुका है, क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट हमारी, इसमें हम अपनी एथिक्स को ना खो दें, अपने नॉर्म्स को ना खो दें। तो हमें चाहिए पेरेंट्स को कि पेरेंट्स को पता हो कि हमारे एथिक्स और नॉर्म्स क्या है, ताकि हमारा बच्चा उनको ना खो पाए। सही। और जब ये सारे काम करेंगे तो वी विल गेट अ वेरी हेल्दी एंड अ वेरी ब्यूटीफुल माशरा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। समझ साहब, अब आप माइक उतार सकते हैं, निकाल सकते हैं, और आपका ये वाला एरिया है, आप यहाँ कुछ दिखाएं हमारे व्यूवर्स को काता करके, ताकि उनका और ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना, कि हाँ भाई हमें करना चाहिए, हम इस तरह से करेंगे, सीखेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा जी। जी नाज़िम, देखा आपने कि समद साहब और इश्मा ने कितनी अच्छी और प्यारी बातें हम तक फराहम की हैं कि हमें सीखना चाहिए, करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, ओह ये बिल्कुल भी स्टार्ट करना चाहिए सर, इस उस वो कैमरा है आपका, जी जी बिल्कुल स्टार्टिंग जी। नाज़िम आप देख सकते हैं कि जो इनकी लेग है ये देखिए बिल्कुल अप, इतना ज्यादा अप है कि जबरदस्त जबरदस्त, ये हाथ से हम देख सकते हैं, ये देखिए वाओ जबरदस्त।